हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो चलिए अभी हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे बजट के बारे में। ठीक है, BUDGET बजट। ये बजट है क्या? तो कहता है कि बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द बकट से हुई है। बकट देखिए, BUGET बकट से हुई है, जिसका अर्थ होता है एक चमड़े का थैला, जिसको कहते हैं बटुआ, चमड़े का थैला या बटुआ। तो बजट है क्या? बजट एक ऐसा आर्थिक विवरण है, एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें सरकार की एक वित्तीय वर्ष, एक लेखा वर्ष में सरकार की आय और सरकार की व्यय का विवरण होता है। यानी बजट एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें आने वाला वित्तीय वर्ष के लिए सरकार कितना रुपया खर्च करेगा और सरकार को कितना रुपया प्राप्त होगा, उसका एक अनुमानित लेखा जोखा होता है बजट में। अब यह जानना है कि वित्तीय वर्ष या लेखा वर्ष होता क्या है। तो कहता है कि भारत के सभी सरकारी कामकाज 1 अप्रैल को शुरू होते हैं और घूम घूम कर 31 मार्च को खत्म हो जाते हैं। यानी भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। आने वाला 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि में सरकार कितना रुपया खर्च करेगा और उसे कितना रुपया प्राप्त होगा, उसका अनुमानित लेखा जोखा बजट में होता है। यानी बजट आने वाले साल के लिए बनता है, एक साल। यानी बजट की अवधि कितनी होती है? 1 साल होती है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, जो भारत का वित्तीय वर्ष है, लेखा वर्ष है। यानी सिंपल सी बात है, बजट एक ऐसा दस्तावेज है, एक ऐसा पत्र है, एक ऐसा आर्थिक विवरण है जिसमें आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, आने वाले एक साल के लिए, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की अवधि में सरकार कितना पैसा खर्च करेगा, किस जगह पर, और उसे कितना पैसा प्राप्त होगा, ये दोनों का लेखा जोखा होता है बजट में। यानी बजट एक ऐसा दस्तावेज है, एक ऐसा पत्र है जिसमें लिखा रहता है कि सरकार आने वाले 1 साल के लिए कितना पैसा खर्च करेगा और उसे कितना पैसा प्राप्त होगा। यानी सरकार की अनुमानित आय और अनुमानित व्यय का लेखा जोखा आने वाले 1 साल के लिए बजट में लिखा होता है। ठीक है, मिलते हैं आने वाले वीडियो में।